हेलो पेरेंट्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे संस्कार और बिहेवियर में डिफरेंस होता है। आज हम देखने वाले हैं कि क्यों गर्भ संस्कार या तो संस्कार को गर्भ में क्यों डालना है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम संस्कार के लिए कैसे बिहेव करते हैं। वी ऑल नो कि हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हम बहुत सारा बिहेवियर तो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, पर बहुत सारा बिहेवियर हम सबकॉन्शियस माइंड से भी करते हैं। वी ऑल नो कि कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है या फंक्शनल एबिलिटी है वो 6000 टाइम ज़्यादा है। मतलब कि कॉन्शियस माइंड जो एक डिसीजन लेता है उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, उससे ज़्यादा 6000 टाइम चांसेस हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अगर वो डिसीजन को लेगा तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। अब संस्कार मतलब कि अच्छी आदतें स्वभाव में आ जाना। अब होता क्या है कि इनिशियली कोई भी इंसान जब भी कोई अच्छी आदतों के बारे में सोचता है, सुनता है या समझता है तो वो आदतें जो होती हैं वो उसके कॉन्शियस माइंड में आती हैं। देन देर इज़ अ सो मैनी वेज कि जिसके थ्रू वो आदतें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। एक बार वो सारे गुण सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं, उसके बाद में वो इंसान हमेशा लाइफ में उसी गुणों से ऑपरेट करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 5 साल की एज के बाद बच्चे का क्रिटिकल फिल्टर बनना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट 8 साल के अंदर अंदर एक क्रिटिकल फिल्टर बन जाता है। ये क्रिटिकल फिल्टर जो है वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का फिल्टर है जो यूजुअली बिलीफ सिस्टम के आधार पे बना होता है। बहुत सारे बिलीफ, हमारे रिलीजन की बिलीफ, कल्चरल बिलीफ, सोशल बिलीफ, ये सब जैसे पेरेंट्स बातों बातों में बोल देते तू तो बुद्धू है, तो इट्स क्रिएट अ फिल्टरिंग, एक बिलीफ सिस्टम बना दिया। अब जब कॉन्शियस माइंड में पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं तू बहुत ही होशियार है, तब भी वो क्रिटिकल फिल्टर की बिलीफ कि मैं बुद्धू हूँ वो थॉट को सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देगी। एंड दूसरी बात ये है कि सबकॉन्शियस जो है वो इन्फॉर्मेशंस को नहीं, इन्फॉर्मेशंस के साथ जुड़ी फीलिंग्स को अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड कहता है झूठ नहीं बोलना है, ये कॉन्शियस माइंड का थॉट है, पर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो झूठ नहीं बोलने के साथ जो प्लेजर की फीलिंग्स है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, उसे अपने में स्टोर करता है और उसके थ्रू ऑपरेट करता है। अब जब ये सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाने के लिए और ये फीलिंग्स को पहुंचाने के लिए वी हैव टू वेज। एक तो इन्फॉर्मेशंस को हमें इतना रिपीट करना है कि वो सबकॉन्शियस तक जाए, वो क्रिटिकल फिल्टर को क्रॉस कर पाए। एंड दूसरा, उसके साथ में हमें प्लेजर फीलिंग, सेटिस्फेक्शन फीलिंग, वेलबींग की फीलिंग, अच्छेपन की फीलिंग को कनेक्ट करना है। मतलब कि एज अ पेरेंट्स हमें, हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ नहीं बोले तो एक इन्फॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचानी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, साथ में एक फीलिंग्स भी पहुंचानी है कि झूठ बोलना जो है वो नहीं बोलना वो एक अच्छी बात है, सुकून की बात है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्लेजर फीलिंग। अब बिकॉज ऑफ बच्चे के क्रिटिकल फिल्टर सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचती, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, बिलो 5 साल जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो क्रिटिकल फिल्टर ना होने की वजह से सबकॉन्शियस में पहुंचेगी, पर एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे को आप कैसे दोगे? 1 साल के बच्चे को आप बोल तो सकते हो कि झूठ नहीं बोलना है, पर झूठ नहीं बोलने के साथ एक प्लेजर, एक सेटिस्फेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो आप कैसे दोगे? क्योंकि उसके खुद के एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस कराने का के लिए उसको थोड़ा बड़ा होने देना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस को जनरेट करें तब तक उसका क्रिटिकल फिल्टर बन जाता है। तो जब क्रिटिकल फिल्टर बन जाता है तो एक्सपीरियंस जनरेट करवाओगे पर इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगी। अब गर्भ में जब बच्चा है, नाउ प्लीज़ पे अटेंशन, गर्भ में जब बच्चा है तो
जो भी इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है थ्रू मदर थ्रू पेरेंट्स वो सीधी सबकॉन्शियस में जाती है क्योंकि कोई क्रिटिकल फिल्टर नहीं है. सेकंडली गर्भ में बच्चे के जो भी एक्सपीरियंस है विद दैट इंफॉर्मेशन वो वही एक्सपीरियंस है जो मदर फील करती है. वेरी नेचुरल मेरे आगे के वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि खुशी या सेटिस्फेक्शन एवरीथिंग आर कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. तो जब मदर झूठ नहीं बोलने की इंफॉर्मेशन के साथ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग लाती है तो उसके अंदर सीरोटोनिन रिलीज होता है. वो सीरोटोनिन प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक जाता है. बच्चे को भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है साथ में सेम एक्सपीरियंस मिलता है और वो एक्सपीरियंस एंड वो इन्फॉर्मेशंस उसके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग हो जाता है संस्कार का कि झूठ नहीं बोलना है. वो बड़ा होकर अपनी लाइफ में फॉर अ मोमेंट कभी टेम्पररी कॉन्शियस माइंड से अगर झूठ बोलेगा तो भी उसके सबकॉन्शियस के पावरफुल रिएक्शन उसको वो झूठ से गिल्ट क्रिएट करवाएंगे और फिर वो बाद में लाइफ में झूठ को अवॉइड करेगा. सो जब बच्चा गर्भ में है वो सबसे प्रेशियस टाइम है कि जब आप बच्चे को संस्कार दे सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से ये मैसेजेस एंड एक्सपीरियंसेस देने हैं वो समझने के लिए आप मेरा थर्ड एपिसोड देखें. इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए. जल्दी ही मिलते हैं. बी प्राउड पेरेंट. संस्कार की डेफिनेशन सब पेरेंट्स के लिए अलग अलग होती है, तो आप अपनी एक लिस्ट बनाओ जो आप बच्चे में चाहते हो.